बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा आगे बढ़ाते हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और उसमें सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है वो है आज के लेक्चर में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतना तो पता लग गया कि ये वो रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर होगी। क्लियर? स्यूडो इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इसकी ज्यादा आ रही है, ऑर्डर से ज्यादा आती है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जिसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से ज्यादा होती है। ये बात आप समझ लीजिए। अब बताइए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो, 2, और ऑर्डर कितना हो, 1। ऐसी रिएक्शन आपके पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। लिख लीजिए इसको, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी 2 आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब समझिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई रिएक्शन ए प्लस बी सी बनती है, ध्यान से समझना, और मेरे पास इसका रेट लॉ है। रेट लॉ कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और ये। अब आपको दिख रहा है और मैं कहता हूं यही आपके पास स्लो स्टेप है, एक ही स्टेप में हो जाती है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2, और अभी इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है, 2। क्लियर? सपोज कीजिए मैंने ए की कंसंट्रेशन ली 1000, के की वैल्यू ली 5 और बी की वैल्यू ली 0.1। अब बताइए रेट ऑफ ऑर्डर कितना आ गया, देखिए इसको, ये आ गया 500। क्लियर? अब बात समझिए, मैं दो काम करता हूं। इस बार मैं ए की कंसंट्रेशन को 1 से इंक्रीज करता हूं, मैंने करा इसको 1001। बी का कंसंट्रेशन मैंने उतना ही रखा, मैं ये देखना चाहता हूं कि ए के अकॉर्डिंग रेट कैसे चेंज होती है। तो नया रेट कितना निकलेगा, 5001 × 0.1। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 5005 × 0.1, दैट विल बी 500.5। ये देखिए, क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, बी की कंसंट्रेशन 0.1 से बढ़ा देता हूं, मतलब ए की कंसंट्रेशन को मैं नहीं छेड़ता हूं और बी की कंसंट्रेशन बहुत कम बढ़ाई है, यहां तो मैंने फिर भी 1 से बढ़ाई है, वहां पे सिर्फ 0.1 बढ़ा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0.2। अब देखते हैं रेट कितना आ रहा है, 5000 ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन 0.2। अब बताइए कितना फर्क आ गया, 1000 आ गया। क्लियर? अब आप समझ रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा रहा हूं बट रेट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को मैंने बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज कर दिया है, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन पे कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, 500 से सीधे 1000 पर आ गई है। क्लियर? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन बी पर ज्यादा डिपेंड कर रही है एज कंपेयर टू ए, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते भी हो तो रेट पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि रेट इज ऑलमोस्ट, रेट लो हमारे पास ऑलमोस्ट ये हो गया। अब अगर रेट लो ये हो गया तो आप मुझे बताइए ऑर्डर कितना आ गया, 1, बट रिएक्शन तभी होगी जब ये दोनों टकराएंगे, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी अभी भी कितनी है, 2। तो इस तरह की रिएक्शन कहलाती है आपके पास स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कब होती है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, यानी कि रिएक्टेंट में रेट लॉ में वो आपका एलिमेंट या वो सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, रेट लॉ उस पर डिपेंड नहीं करता है, और तभी आपकी रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। लिख लीजिए इसको,
ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे देता है कि ए और बी ये है और इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये समझ जाना है कि रेट लॉ में उस ए को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। पहला एग्जाम्पल लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सपोज कीजिए ये आपके पास एस्टर है, इसके आप वॉटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। क्लियर। अब मैं कहता हूं इसमें वाटर जो है ये मोर इन अमाउंट है, मोर एज कंपेयर टू दिस वन, यानी कि ये आपके पास एक्सेस में है, तो रेट लॉ में क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू के एसिटिक एसिड, सॉरी एस्टर और वाटर, नहीं वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसकी पावर जीरो हो गई, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका रेट लॉ हो गया ये। अब इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना आ गया, वन, बट एलिमेंट्री रिएक्शन ये बताएगी आपको कि ये दोनों टकराएंगे तभी बनेगा, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी आती है इसकी, टू, राइट। तो ये हुआ मेरे पास एग्जांपल नंबर वन, लिख लीजिए इसको। आइए अगला एग्जांपल लिखिए इन्वर्जन ऑफ शुगर। आइए अब इसमें क्या है कि शुगर ले लीजिए C12H22O11, ये जो होता है ये वॉटर की प्रेजेंस में इन्वर्टेज एंजाइम इसमें लगता है, ये दो पार्ट में टूटता है, एक होता है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोस और एक होता है C6H12O6 दैट इज फ्रक्टोस, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब मैं कह दूं तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या आप आगे पढ़ेंगे, और इसमें आपके पास कीटोनिक ग्रुप होता है। अब इसके लिए भी वॉटर हमारे पास एक्सेस में ही लिया जाता है, इसीलिए इसका रेट लो दिया जाएगा C12H22O11। क्लियर। यानी कि अगेन इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया वन और मॉलिक्यूलरिटी टू। और भी है हमारे पास, थर्ड एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी कि BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का वॉटर से रिएक्शन। जब आप ये कराओगे तो ये बन जाएगा हमारे पास फिनॉल, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये बन जाएगा आपके पास HCl। क्लियर। इसमें भी वॉटर हमारे पास एक्सेस में आ जाता है, जनरली हमारा सॉल्वेंट ही एक्सेस में होता है, तो इसके लिए अगर रेट लो लिखने को बोलेगा तो मैं सिर्फ BDC यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को ही इंक्लूड करूंगा। क्लियर। ओके, सो ये था हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉलिजन थ्योरी। इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। तो बेसिकली कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जितने भी रिएक्टेंट है, सपोज करो आपने 100 रिएक्टेंट ले लिए, ये 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब भी आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपस में कोलिजन करेंगे और उसी कोलिजन के रिजल्ट की फॉर्म में आपको मिलता है आपका प्रोडक्ट। लेकिन कोलिजन भी ऐसे नहीं कर सकता कोई, उसके लिए उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि उसको वो एनर्जी चाहिए जितनी की वो आपके पास लगती है ट्रांजिशन स्टेट बनाने में, जो हमने पहले ही पढ़ रखी है। तो पहले तो आपके पास सिर्फ वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे जो इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे। क्लियर। राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली दोज मॉलिक्यूल विल गिव्स प्रोडक्ट which shows effective collision.
तो कोलिजन थ्योरी बेसिकली इफेक्टिव कोलिजन की बात करती है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी रिएक्टेंट के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब हार्ड स्फीयर होते हैं, जब वो टकराएंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी हर कोई टक्कर जो होती है वो प्रोडक्ट नहीं बनाती। एवरी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर नॉट लीडिंग टू द प्रोडक्ट, हैज दीज कोलिजन विल नॉट बी कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन। मतलब कौन से कोलिजन को आप इफेक्टिव कहोगे, तो वो कोलिजन ये जो दो ये बैरियर पार कर लेगा वही आपका इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। पहला बैरियर क्या है, तो लिख लीजिए बैरियर फॉर इफेक्टिव कोलिजन कोलिजन थ्योरी कहती है कि इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, और इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होता है, वो कोलिजन जो प्रोडक्ट बना दे, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए दो बैरियर इसके पास हैं। पहला एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। जब तक मॉलिक्यूल ये दो बैरियर पार नहीं कर सकता तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। एनर्जी बैरियर क्या कहता है, तो याद होगा आपको हमने पढ़ा था अगर कोई रिएक्टेंट ए प्लस बी जो होता है, ए जो होता है वो सी बी से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है फिर ये टूट करके आपके पास प्रोडक्ट बनाता है। मैं कहता हूं इसके पास 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, बट इसको बनाने के लिए टोटल आपको 100 जूल की एनर्जी चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल के पास 100 जूल की एनर्जी है वो तो इफेक्टिव कोलिजन कर जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो नहीं करेंगे। यानी कि एक तरह से इन मॉलिक्यूल के पास इस एनर्जी को अचीव करने का टारगेट आ गया, अभी इनके पास यही एक बैरियर बचता है। तो इसमें लिखिए ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैन परफॉर्म इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर, चलो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन बैरियर क्या कहता है। इसके एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास NO2 जो है इसके दो मॉलिक्यूल टकरा करके आपके पास N2O4 बनाते हैं। क्लियर, अब अगर मैं मानूं कि मेरे पास एक तरीका यह है कि ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और इसके साथ दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, अगर ये इस तरह से टकराएगा तो क्या ये प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं। ओके, दूसरा देखते हैं। मैंने माना ये नाइट्रोजन है और ये दोनों इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, क्या ये टकरा करके बनाएगा, नहीं। मतलब अगर इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर की एनर्जी भी है तो भी ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ये कब प्रोडक्ट बनाएंगे, जब इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, यानी कि इस तरह, जब ये आपस में टकराएंगे दे विल शो द इफेक्टिव कोलिजन। और यही आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे N2O4 का, ठीक है। यानी कि पहली शर्त तो इनके पास यह है कि एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, अगर एनर्जी ज्यादा है और ये प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है तो भी ये इफेक्टिव कोलिजन शो नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये भी नहीं बनाएगा, ये है आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये आपका इफेक्टिव कोलिजन शो करेगा। लिख लीजिए इसको। तो कोलिजन थ्योरी पहले बात करती है कि ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है और किस तरह से इसके पास दो बैरियर हैं, एक है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ये दो बैरियर पार करने के बाद ही आपका रिएक्टिंग स्पीशीज इफेक्टिव कोलिजन कर सकता है। दूसरा ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जेड, और दूसरी जो चीज बोलता है ये बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी।
तो पहला हेडिंग डालिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसमें लिखिए द नंबर ऑफ मॉलिक द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. यानी कि जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जितनी ज्यादा टक्कर होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन आपका हाई चला जाएगा. क्लियर? दूसरा समझिए एक्टिवेशन एनर्जी. जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी उतना ही इफेक्टिव कोलिजन करने के चांसेस बढ़ेंगे. तो ये दो बात कहता है. अब इस चीज को किसी इक्वेशन में डालने के लिए, इन चारों चीजों को किसी इक्वेशन में डालने के लिए आगे मेहनत करी गई. हमें याद है आरहेनियस, आरहेनियस ने हमें एक चीज सिखाई थी. उसने एक चीज बताई थी कि k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. यहां से हमें पता लग जाता है कि किस तरह से अगर k की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वो सारी बातें. बट कोलिजन थ्योरी ने इसी चीज को दूसरे तरीके से बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बिटवीन रिएक्टिंग स्पीशीज, सपोज कीजिए ए और बी है, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. ये इक्वेशन उसने दी. यहां पर उसने कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डाला, यानी कि जो रोल वहां पर आरहेनियस पैरामीटर कर रहा था वही चीज को यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला गया. और ये भी समझ लीजिए ये क्या चीज शो करता है. अभी आप लिख लीजिए ये शो करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी. ये वैल्यू आपको बताती है कि कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा की एनर्जी है. कोलिजन थ्योरी में ये इक्वेशन इसने दे दी, बट यहां पर फिर भी ओरिएंटेशन बैरियर, यानी कि जितने भी 100 कोलिजन हो रहे हैं तो 100 के 100 प्रोडक्ट थोड़े ना बनाएंगे, उसमें से प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी कम है. एक कई तरह के हैं कि मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है तो भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है. तो इस चीज को इंक्लूड करने के लिए इसको और ज्यादा इंप्रूव करा गया और एक चीज और इसमें डाली गई और वो वर्ड है पी. पी क्या है? प्रोबेबिलिटी. और फिर जाकर के ये इक्वेशन दी गई. अब यहां पर पी जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है. यह हमें यह बताता है कि सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी होने पर ही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी. हां, 100 मॉलिक्यूल हैं जिनके जो आपस में टकरा रहे हैं उनके प्रोडक्ट में बनने की संभावनाएं भी कम है. कुछ ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी यह है कि वो प्रोडक्ट बना सकते हैं. इसीलिए कोलिजन थ्योरी में रेट ऑफ रिएक्शन को पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से बताया गया. तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर भी इसको कह सकते हैं. क्लियर? लिख लीजिए इसको. हरिंग डालिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब हमें यह देखना है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टिंग स्पीशीज है, सपोज कीजिए 100 रिएक्टिंग स्पीशीज है, उनके पास कितनी कितनी एनर्जी होती है उसका एक कर्व है. जस्ट सपोज हमारे पास टोटल मिलाकर के 100 हैं, ओके. तो आपके पास ये 100 मॉलिक्यूल है. अब मैं बात करता हूं इनके पास एनर्जी कितनी कितनी है. 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास टोटल एनर्जी, आप ये मान लीजिए ये है आपके पास 10, ये है 40, ये है 80, 25 मॉलिक्यूल है मान लीजिए आप 80 इसके पास है, 90, 80, 85 इसके पास है, 90 इसके पास है, 100. क्लियर? ये आपके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इनका मैं कर्व खींच लेता हूं, किस किस के बीच में, टोटल एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. 5 out of 100 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी कितनी है, 10. मैंने माना ये 5 फ्रैक्शन है तो 5/100. ओके,
10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास टोटल एनर्जी कितनी है, 40 है. मैंने माना 40 यहां है और 10 मॉलिक्यूल यहां है, क्लियर. 40 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 80 की एनर्जी है. ये 80 और ये मेरे पास 40. फिर 25 मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल फिर से कम हो गए बट एनर्जी आपके पास 85 है. मैंने माना 85 मेरे पास यहां आती है, मॉलिक्यूल आपके कम हो गए, क्लियर. तो इस तरह से ये 85 हो गया, फिर 90 और फिर आ गया 100. तो ये कर्व आपके पास बन जाएगा इस तरह से. क्लियर. 5, 10 और ये आ गया आपके पास में 40 और ये हो गया आपके पास 25. फिर इस तरह से एनर्जी है. अब आप देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 40, यानी कि मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास में कितनी एनर्जी है, 80. तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, 80. ये देखिए, बट सपोज कीजिए मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी है 90 की, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी है 90 की. तो सिर्फ यही वो मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये बात मान लीजिए, ये वो मॉलिक्यूल है, कह सकता हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर. सिर्फ 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं ये वाले जो आपके पास प्रोडक्ट वो बना सकते हैं. लेकिन जस्ट सपोज कीजिए मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूं, T2 कर दूं, तो T2 करने के बाद सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी. इसकी हो जाएगी 20, इसकी हो जाएगी 50, इसकी हो जाएगी 90, इसकी हो जाएगी 95, इसकी हो जाएगी 100, इसकी हो जाएगी 110. यानी कि मैंने एनर्जी बना दी, बढ़ा दी. अभी कर्व किधर जाएगा, जो पहले 5 मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी 10 थी, अब उनकी एनर्जी 10 से बढ़ गई, कितनी होगी 20, यानी कि यहां गया. सिमिलरली 10 वाला जो 40 बना रहा था उसकी एनर्जी कितनी आ गई, 50, तो वो भी इधर आ जाएगा. जिसके पास 80 की थी उसके पास 90 हो गया, यानी कि 90 वाला फ्रैक्शन यहां आ गया, यानी कि वो यहां आ गया. तो ये कर्व आपका इस तरह से चला जाएगा. और ये देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी टोटल एनर्जी 90 या 90 से ज्यादा है उनकी संख्या बढ़ गई. इसीलिए कहते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन परफॉर्म इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि पहले आप देख रहे थे 15 और 5, टोटल 20 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते थे. लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, इवन ये भी कर जाएगा. देखिए अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं तो ये कर्व और इधर ज्यादा इधर की तरफ बढ़ता जाएगा. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वाला एरिया बढ़ता जाता है. और ये एरिया किसको बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और मोर देन दैट. क्लियर, बात समझ में आ गई. यानी कि हम अगर इस कर्व की बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, 100 है, 90 है, उनकी संख्या बहुत कम है, ये देखिए. लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास बहुत कम एनर्जी है उनकी भी संख्या कम है. यानी कि टोटल अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो 15 या 20 मॉलिक्यूल ही ऐसे निकलेंगे जिनके पास या तो मैक्सिमम एनर्जी है या मिनिमम एनर्जी है. बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम है और बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम है. ये देखिए 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 10 है, क्लियर. ओके, तो ये था हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसकी लर्निंग सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है. पहला कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल कम है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, क्लियर. एक तो ये बात लिख लेना. दूसरी बात ये कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ये एनर्जी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता जाता है. क्यों? क्योंकि सबके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती जाती है. पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई. पहले 10 की एनर्जी थी, फिर 15 की हो गई, फिर 40 की हो गई. तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा करके इसको 40 कर दूं तो पहले 5 मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी 10 थी अब उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20. फिर कितनी हो जाएगी, 40,
तो कर्व हमेशा इधर की तरफ, आगे की तरफ फॉरवर्ड बढ़ता जाएगा, क्लियर। और टेम्परेचर बढ़ाने से पहले 20 मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा की एनर्जी रख रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी संख्या और बढ़ गई, और खुदा ना खास्ता और बढ़ा देता तो ये और ज्यादा बढ़ जाती, क्लियर। तो ये था हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स में पढ़ते हैं न्यूमेरिकल के लिए। पहला लिखिए, रेट लॉ फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। रेट लॉ फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज कीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें H2 और I2 जो है ये मिल करके 2HI बनाता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है KF। जब ये वापस जाती है रिएक्शन तो ये है KB, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखता हूं तो वो हो जाएगा KF, H2 और I2, क्लियर। अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखूंगा ये देखिए, अब तीन कंडीशन हो सकती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम पड़ जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, ओके, तब क्या होगा, इस केस को समझिए। तो नेट रेट ऑफ रेट लॉ क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यानी कि KF H2 I2 माइनस के बैक वाला और HI का स्क्वायर, क्लियर। और अगर बैक वाला ज्यादा है तो नेट रेट निकल करके आएगी बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और फॉरवर्ड। बैकवर्ड वाले को मैं लिख सकता हूं KB HI का स्क्वायर माइनस KF H2 और I2, क्लियर। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इसी को समझना है हमें, अगर ये इक्विलिब्रियम आ गया तो हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यही है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये वाला तुम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, यानी कि KF H2 I2 विल बी KB HI का स्क्वायर। तो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड क्या आ जाएगा, ये देखिए ये क्या है, कभी देखा है इसको, ये है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद कीजिए हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ये इतनी सी चीज बतानी थी मुझे, बस लिख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन लिखिए, द एनर्जी चेंज अकंपनिंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और ये रिएक्शन दे रखिए, इज -33 किलो जूल पर मोल केल्विन। इस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है उसकी वैल्यू उसने दे रखी है -33 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। ओके, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि मुझे KC निकालना है जिसके लिए मेरे पास KF और KB होना चाहिए। तो पहले मैं KF और KB कैलकुलेट करूंगा। KF क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ जोड़ने वाली हमारे पास एक ही इक्वेशन है, आरएनएस इक्वेशन, AE^-EA/RT। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो याद कीजिए मेरे पास आया था log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT 2.303। क्लियर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि log KF के लिए हो जाएगा log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 RT। जब मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जाऊंगा तो log KB log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। टेम्परेचर इन्होंने चेंज करा ही नहीं है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। आप याद कीजिए डेल्टा एच इसमें जो है अभी आपको एनर्जी दे रखी थी, ये डेल्टा एच कितना दे रखा है -33, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कर्व हमने पढ़ा था, ये आता है। तो ये देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, डेल्टा एच। क्लियर, याद आया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये है मेरे पास फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर ये प्रोडक्ट है तो ये है बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डेल्टा एच जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। क्लियर। अब मेरे को चाहिए केएफ अपॉन केबी, तो मैं इसको मैं करता हूं माइनस इक्वेशन नंबर वन और टू, तो इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू करता हूं, यानी कि लॉग केएफ माइनस लॉग केबी करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, केएफ केएफ वाला लिखता हूं मैं ये वाला, तो माइनस ई ए एफ प्लस ई ए बी 2.303 RT। इसको मैं तमीज से लिख देता हूं ई ए बी माइनस ई ए एफ अपॉन 2.303 RT। क्लियर। अब बताइए डेल्टा एच क्या होता था, डेल्टा एच होता था फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT। क्लियर। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत जाइए इससे पहले वाला लेक्चर दोबारा से देखिए। क्लियर, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं वैल्यू पुट अप करके, तो मेरे पास हो गया लॉग के एफ माइनस लॉग के बी, यानी कि लॉग ए बाय बी बैकवर्ड वाला। क्लियर। और माइनस डेल्टा एस दिया है माइनस 33 किलो जूल, तो किलो को मैं इसमें चेंज कर देता हूं, और ये है आपके पास आर 2.303 आर। मैंने इसको जूल में चेंज कर दिया तो ये भी मैं 8.3 ही लिखूंगा, दैट इज जूल में, और टेम्परेचर है आपका 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल करके जो भी आए, इस चीज को हम कह सकते हैं लॉग केसी, और ये पूरी चीज दैट इज 33 × 10³ 2.303 8.31 × 300। जब आप इसका केसी कैसे निकालेंगे, यहां से एंटी लॉग लेकर के, आपने पढ़ा होगा एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, तो केसी निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी, और इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास आंसर है 5.67 × 10⁵। That is your answer. Okay. तो अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हैज बीन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, और ये लिख लीजिए ए की कंसेंट्रेशन, बी की, सी की, और रेट, चार एक्सपेरिमेंट आपने कर। आगे लिखिए फाइंड रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या दिया है पहले हम देखते हैं। तो पहला डेटा ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है के ए की कंसेंट्रेशन, बी की कंसेंट्रेशन और सी की कंसेंट्रेशन। क्लियर। अब मुझे नहीं पता कि इसमें आएगा एक्स, इसमें आएगा वाई या इसमें आएगा जेड, ये मुझे नहीं पता, मैं अभी इसको एक्स वाई जेड मान सकता हूं। तो पहले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मुझे कहता है 2.08 × 10⁻³ के वन ए, ए है मेरे पास 0.02 × x, 0.02 × y, 0.02 × z, ये पहली बात है। दूसरा एक्सपेरिमेंट मुझसे कहता है कि जो आपका रेट है 1.04 × 10⁻³ विल बी के टू, और ये आपके पास डेटा देता है 0.01 x
0.02y, 0.02z. सिमिलरली आपको थर्ड देता है, रेट है 4.16 10 रेस टू द पावर -3, रेट कांस्टेंट K3 मान लिया मैंने, और ये हो गया आपके पास में थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए 0.02x, 0.04y, 0.02z. और फोर्थ एक्सपेरिमेंट सॉरी 8.32 10 रेस टू द पावर -3, K4 0.02x, 0.02y एंड 0.04z. और चूंकि इरेक्शन एक ही है इसलिए इसके रेट कांस्टेंट हम K मान लेते हैं सबके. क्लियर? ओके. अब थोड़ा सा दिमाग से आप सोचिए कि किन दो का रेशो लेकर के आप xy काट सकते हैं या yz काट सकते हैं या zx काट सकते हैं, और आपके पास आंसर आ जाएगा. जैसे अगर मैं 1/2 करूं, 1/2 करूं, तो इसको देखिए, ये और ये डबल हो गया, दैट इज 2. कैसे के कट गया? ये कंसंट्रेशन देखिए, 0.02 अपॉन 0.01 की पावर x. बाकी ये भी कट गया, ये भी कट गया. यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो गया आपके पास 2 की पावर x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 1. क्लियर? अब सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू आ गई है, अगर आप कुछ और निकालना चाहें तो आप 1 और 3 कर दीजिए. 1 और 3 में 1 कट जाएगा, y अलग है, बाकी सब अलग है. तो मैं अगर 1 और 3 करता हूं तो 1/3 तो 2 और 16, यानी कि ये भी डबल हो रहा है 1/2. क्लियर? इधर आइए, कैसे के कट गया, ये कटी गया, ये देखिए 0.02 अपॉन 0.04 की पावर y आ गया, यानी कि 1/2, और ये भी हो गया 1/2y. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1. अब अगर आपको z निकालना है तो आप 1 और 4 कर दीजिए. 1 और 4 करेंगे तो मेरे हिसाब से ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 और 8, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि 1/4, और लास्ट वाली डिजिट आपके पास बचेगी 0.02 0.04 की पावर z. अब इसको आप देखेंगे तो 1/4 1/2 की पावर z, यानी कि z मेरे पास आ गया 2. क्लियर? ओके. आइए इसको आप लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड कम है. अब देखिए मेरे पास आंसर लिखने का टाइम आ गया. मैं रेट लॉ लिखूंगा, रेट r k, a की पावर क्या थी, x, जो कि मैंने पता करी 1 आया, b की पावर भी क्या है, 1, और c की पावर क्या आई, 2. तो ये हो गया मेरे पास रेट लॉ, पहली बात. दूसरी बात, मुझसे पूछा है k निकालो, तो आप क्या करेंगे, x y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कीजिए, उससे आपका निकलेगा K1, एक के निकलेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है तो K वेरी करेगा. इसी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो फिर से एक K निकलेगा, ऑलमोस्ट सेम निकलेगा, यहां रखेंगे तो भी एक निकलेगा, और इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो भी एक K निकलेगा. ठीक है, इक्वेशन नंबर जो हमने यहां लिखी थी उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2. इस तरह से हमारे पास K निकल जाएंगे. इन चारों K का आपको लेना है एवरेज, तो आपके पास आ जाएगा K एवरेज K1 K2 K3 K4 की पावर 4, एंड दैट विल बी योर आंसर. क्लियर? तो इस तरह से आपका K निकलता है. क्लियर? हर एक इक्वेशन में K की वैल्यू में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा है. क्लियर? आइए अब इसको करने का शॉर्ट मेथड देख लीजिए, बट पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है. अगर मैं, ध्यान से देखना, शॉर्ट में एक ही बार में आंसर आ जाएगा, यहां से 2 से 2 2 से 2, तो B और C को मैं कांस्टेंट रख करके एक ही कंसंट्रेशन को मैंने आधा करा. B और C को कांस्टेंट करके एक ही कंसंट्रेशन मैंने आधी करी
एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, आधा, यानी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन। ए आधा कर रहे हो तो रेट भी आधा हो रहा है, क्लियर हो गया। ओके, दूसरा, अगर मैं ए को कांस्टेंट रखता हूं, सी को कांस्टेंट रखता हूं और बी को मैं डबल कर रहा हूं, तो रेट क्या हो रही है, रेट भी आपके पास क्या हो रही है, डबल। यानी कि दूसरे एक्सपेरिमेंट से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर बी डबल कर रहा हूं तो आर भी डबल हो रहा है, क्लियर। अब लास्ट देखिए सी, ये देखिए ए कांस्टेंट रखा, बी कांस्टेंट रखा, सी को मैंने कितना करा, डबल कर दिया, क्लियर। तो रेट क्या होगी, 2 से 8 हो गई, यानी कि डबल की भी डबल, यानी कि 4 times हो गई, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू C का स्क्वायर। अगर ये डबल कर रहा हूं तो 4 times हो रही, तो यहीं से मेरे पास आंसर आ सकता है R इक्वल टू K, A की पावर 1, B की पावर 1 और C का स्क्वायर। बट ये आप कर सकते हो एमसीक्यू के लिए, अगर आपसे पूछता है 1 marks से 2 marker, तो इतना सब कुछ नहीं करना। लेकिन 3 marks में कर दिया तो हर एक की 3 equation बनेगी, फिर आप उसको डिवाइड करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे और के की एवरेज वैल्यू निकाल करके बता दोगे, क्लियर। ओके, तो ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स, होपफुली मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, आज आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, अब आप इसके भी डाउट्स निकाल करके मुझे भेज दीजिए, क्लियर। ओके, टेक केयर। याद रखिए एनसीईआरटी बाइबल है, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आएगा, चाहे मैंने यहां पे पढ़ाई क्यों ना दिया हो। मैं न्यूमेरिकल थोड़े से अच्छे लेवल से करा देता हूं, बट न्यूमेरिकल भी उस लेवल से नहीं आएगा। तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोकस ऑन एनसीईआरटी, अगर आप और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप फिर अलग प्रिपरेशन पे भी जा सकते हैं, क्लियर। तो सेंड मी द डाउट एंड आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर आई विल स्टार्ट विल बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर। टेक केयर।